रात्रि जो सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था, आर्यन की फैन है। मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा अच्छे रहते हैं, मोस्ट डिमांडेड। हमारा पूरा दर्शन कराने में ना इन्होंने बहुत हेल्प किया। आर्टिकल्स में कहा जाता है, अरे ए गेट गेट पहले पहले लड़की को राजा घाट इसको बोलते हैं। आंटी टाइटेनिक अंकल के साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। अमेजिंग मैन, इतना टेस्टी खीर, कसम से इतना भुक्कड़ की तरह आज तक हम कहीं नहीं खाए। थोड़ा सा स्थिति बुरा। Sorry. And I need all of you to stop what you're doing and listen. सुप्रभात, आज तक हमारा था नवरात्रि, अब होगा दुर्गा पूजा। दुर्गा माँ का अलग अलग तरह का पंडाल और रूप देखेंगे जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब इस आउटफिट को पहनने के पीछे का मेरा बहुत कारण था कि ये आउटफिट जो वेस्ट बंगाल के स्टाइल से थोड़ा सा डिराइव्ड है, और वेस्ट बंगाल का क्यों ना पहने, क्योंकि नवरात्रि जो सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था वेस्ट बंगाल में ही, ताहिर के राम रामा विलेज में, जहाँ के राजा जो सबसे पहले सेलिब्रेट किए थे वो थे कंगासा नारायण, उन्होंने सेलिब्रेट किया था। और आज के डेट पे देख लो, नवरात्रि का जो इवेंट है वर्ल्ड का सबसे प्यारा इवेंट है। हम लोग तो अपना कल्चर ही भूल गए कि कोई नया जन आता है पीछे तो उसको किस तरह से बुलाते, तो इस तरह से बुलाते। एज आई टोल्ड, देखो दो शख्स आ चुके, ये आदमी को साइड हटाए, इसको तो हर रोज देखते हैं। रिचा दिया यार, सच बताया जा रहा है कि 2K से साथ में खड़ी है, 3K लेकिन अभी तक खड़ी बेचारी बैठी नहीं, मतलब क्या बताया जाए। इतने घंटे मेकअप लगा, 5K पे बैठेंगी तो जल्दी से 5K करा देने का। 1 घंटा लेट कराई है, जैसा कि अभी शोभित बोला, मेकअप करने में बस देख लो, लेकिन हाँ वर्थ इट लग रहा है। तो अभी चलते हैं फिलहाल के लिए वाटर प्रूफ। हाँ, परसों वॉक पे गए थे तो मेरे को एक सब्सक्राइबर मिला था, एक लड़की मिली। हम आपको जानते हैं, अच्छा कैसे, तो हम आपको हर्ष भैया के ब्लॉग में देखते हैं। अरे बोली है, लास्ट बोल दी, आपको भी जानते हैं, एंगेजमेंट वाला ब्लॉग देखते हैं, फिर कोंगो की आपको बहुत अच्छा फोटो तो क्लिक करा के आएगा। हाँ, ले लेते हैं ना प्रूफ के लिए हम, ये देवी का ही तो मतलब अच्छा। अरे ये बंदा मेरे को पहले भी मिला है, आर्यन की फैन है यार, ऐसे मत बोलिए, फैन नहीं है, सब फैमिली है मेरे। मैं फोटो भी क्लिक की है। अच्छा सच में बंदी बहुत अच्छी है ना, मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा अच्छे रहते हैं। एक्सक्यूज मी, हल्का सा, हाँ लगभग 2 बज चुके हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, झंडा चौक पे भी देखते। ओके क्या द मोस्ट अवेटेड लोकेशन पे हम आ चुके हैं, जो सबसे ज्यादा मेरे को डिमांड पे आया था। The most demanded shot जो है यहाँ का ले चुके हैं हम लोग, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और ये हमारी होल्डर बन चुकी है, सारा मूविंग क्रीम है, गणेश मजूमदार है यहाँ। अच्छा। के पांडा, हमारा पूरा दर्शन कराने में ना इन्होंने बहुत हेल्प किया है। हाँ। बहुत ज्यादा कैमरा मैन नहीं है, सामान रख, असिस्टेंट कैमरा मैन, सारा शॉट मैंने ही लिया है। ना बहुत मेहनत करती है, ट्रस्ट मी गाइस, हमारे हम तो कुछ करते ही नहीं है, आके का शॉट कवर की, ग्रेट रिस्पेक्ट। जो मेरा रील था यही शूट की। हाँ, सारा शूट यही किए है, टैलेंट का भरमार इन्हीं में है। हम लोग तो बेकार क्या है, काबिलियत-ए-तारीफ है। और आपको एक और यहाँ पे हम एक बात बताते हैं कि नव दुर्गा क्यों कहा जाता है इन्हें, तो 9 रुपए यहाँ पे अंदर आपको हमने दिखाया, इस कारण से यहाँ पे जो माँ दुर्गा को नव दुर्गा कहते हैं। और उनका बर्थ का जो है वो हम अगले ट्रांजिशन में बताएंगे कि वो कैसे किस कारण से जन्मी थी। ये होता है जब आप कैमरा को लेकर के घूमते हैं बारिश के मौसम में। अरे भाई, हाँ लंबा होने का बहुत नुकसान है, रिचा दी को मोनोपॉड थमा दिए हम। चलिए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बड़ा पावर बैंक पीछे है और रिस्क एकदम हम लोग लेने वाले हैं, आज जाएंगे कार से। इधर इधर मम्मी बड़ी शोभित दिख के, पापा आगे। यस, देखो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसको पहनना बहुत बड़ा तामझाम है। कल का व्लॉग का हिंट है, शकल जो ये आपको दिख रहा है और ये जो शकल दिख रहा है, इधर आइए, आ गया ये, आ गया ये, आ गया ये जो शकल दिख रहा है, दोनों में बहुत कलाकारी होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत अमेजिंग व्लॉग मिलने वाला है कल का, एंड डैम मैन आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस। तो देखना, बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला। नव दुर्गा जन्म कैसे हुआ था, देव और असुर के बीच में लड़ाई हुई थी, देवों का ग्रुप जो इंद्र भगवान लीड कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से
हार हुई थी, महिषासुर असुरों का लीड कर रहा था। कैलाश में जाकर के सब रिजॉइन हुए थे और रिजॉइन होने के बाद वहाँ पे जन्म हुआ था माँ दुर्गा का। आर्टिकल्स में कहा जाता है सरस्वती माता ट्रांसफॉर्म हुई थी और अभी मम्मी पापा सब जा रहे हैं हमारे साथ। क्या है, हो गया कैमरा दो। पूरा हिल इतना चप्पल लेके गए थे जैसे ऐसे ना उसी तरह का हिल के करे गए थे और गिरे बहुत जोर शोर से गिरे एकदम। तो सब मेरी फुआ सास थी ना तो आ रही की यहाँ थी बोलती है ना चेहरा अरे ये कर रहे हैं। सच में वाटरप्रूफ मेकअप है यार इसका। ए गेट 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 बंद नहीं किया आप, आधा दिमाग है ना। घूम फिर करके अभी हम लोग आ चुके कोडरमा। कोडरमा के बाहर में हम लोग शॉट ले रहा था और ये हमारा भाई साहब बाहर का व्यू है। तो अंदर चलते फिलहाल एक्सप्लोर करते थोड़ा बहुत और यहाँ पे थोड़ा बंगाली स्टाइल में यहाँ पे होता पूजा। एक्चुअल में पूरा दुर्गा पूजा ही हमारा जहाँ भी था ना वहाँ भी गए थे ना तो वहाँ पे बंगाली स्टाइल में हो रहा था। भले ये हाइट के कारण नहीं घुस पा रही है फ्रेम में वो लगवा। हेलो करो तो एक बार। हाँ इसने हमें इनवाइट किया था और इस बंदे के कारण हमने मेन मोमेंट छोड़ दिया। इनको तो फोटो क्लिक कराना है। एक बार रात में आके आरती दिखाएंगे हम लोग यहाँ का। गलत चीज नहीं आंटी, आप बेइज्जती कर रही हैं हमारी। नहीं नहीं बहुत बड़ी। आपका बेटा है। बेटा तो इधर भी तो है। हाँ तो इधर भी तो पहले लड़की को जाओ। दिल का दरिया बह ही गया। बाय बाय। अंगूठे नहीं है। बाकी तो आप लोग चल रहे साथ में। तुम चल रहे हो। मेरा भी हम लोग यहाँ राजा घाट इसको बोलते हैं जनरली। इधर व्यू दिखाओ यार कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे लोग मछली चार चार लोग बैठ के मछली मार रहे हैं और हम यहाँ पे शॉट मारेंगे। कौन सा शॉट? आंटी टाइटेनिक अंकल के साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। कैमरा मैन सोभित जो एक अच्छा फोटो नहीं लेता है कर देता है। अंदर जाने का सोच रहे हैं। अंदर कैसे जाया जाता है? अंगर डालने रखिए ना, शांत रखिए, इसको हिलाइए मत। ओहो 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 अंकल फाइनली एक मछली पकड़े हैं गाइस। मछली आज यही बना खाया जाएगा। ये भाई कितना उछल रही है। तो गाइस वहाँ पे आंटी का रील शूट हो रहा है, देन यहाँ अंकल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मछली कैसे पकड़ा जाता है। आज मछली पकड़ा जाएगा। पकड़ ली मछली सजना जी, मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी। चलो यहाँ जो घूमना फिरना था ऐश करना था हम लोग ने कर लिया, अब यहाँ पे बैकअप का टाइम आ चुका है तो चलो लेट्स गो। परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं। तो चिको डरमा से वापस जाते जाते मैं यहाँ पे भी विजिट कर ले तो हम लोग आ गए यहाँ पे 3-4 साल पहले आए थे यहाँ पे। फॉरेस्ट वाली का दुर्गा पूजा यहाँ पहले फॉरेस्ट लोग का ऑफिसर लोग करते थे बट पब्लिक के लिए भी खुल गया। हाँ अब हो गया है वो पब्लिकली हर कोई आ सकता है, विजिट कर सकता है, पूजा कर सकता है। ये भी एक्सपीरियंस कर ही लिया जाए, यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है? बहुत मौकों से मिलता है। हाँ ये तो है। मंदिर के जस्ट बाहर हम लोग का भोग हो रहा था और पता प्लान नहीं था बट बैठ गए हम लोग। इधर देखो लाइन से दिखाता हूँ, ये बंदा है इधर, इधर देखो। खाते हैं और बताते हैं कैसा है। वैसे बताने का तो है नहीं, अच्छा ही होगा लेकिन खाते प्रसाद। हाँ भोग प्रसाद तो अच्छा ही होगा। पूड़ी सब्जी बुंदिया खीर एंड पान और अभी खाते जल्दी से। ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा आलू है। अमेजिंग मैन, इतना टेस्टी खीर हम कसम से आज सुबह ही खाए थे बस। प्रसाद है ना इसलिए। हाँ ऐसे भी पत्तल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कचरा नहीं फैलाएगा। जूता पहन पहन के पागल हो गए, तीसरी बार हो गया। तो बोले थे चप्पल पहन लो। नहीं हम तो चप्पल में लुक नहीं आता। धन्यवाद आपके बहुत ज़्यादा आपका साथ। ऐसे ही बम रहिए और कुछ नहीं। चलिए जय हो कल्याण।
प्रसाद ले लिए आप लोग वहाँ से? बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फिर से केदारनाथ घूमने। केदारनाथ भाई प्रसाद यहाँ से लेता है, राइट है भाई? क्या यार ये आदमी, ये भगवान ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे पता चल गया ना कि इसको हाथ तक नहीं पता राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। हंगर्स केव का ब्रांड प्रमोशन गाइस देख रहे हो कितना ज्यादा है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मंडुआ टार का और आपको दिखाते हैं भाई, ऑडियो में मेरा कॉपीराइट हो जाएगा, केएलपीडी हो जाएगा, इसलिए बात नहीं करते, सीधे व्यू दिखाते हैं। पीछे साइड में भोग का प्रसाद दिया जा रहा है तो हम वो खाने आए हैं। यहाँ पे खिचड़ी है, खीर है और इधर पूड़ी है, इधर कुछ सब्जियां हैं। मम्मी तुम तो नहीं खा रही थी? हाँ नहीं खा रही थी वैसे। बेस्ट खिचड़ी जो माँ, तुम तो दो दो तीन तीन बार लेके खा रहे हो। कसम से इतना भुक्कड़ की तरह आज तक हम कहीं नहीं खाए हैं। मांग मांग खा रहे वही, इतना बार हम लोग मांग लिया, हम लोग का प्लेट देखोगे ना तो पता चले। देखो पेट दिखा रहा है और पेट पेट तो लग रहा है कुर्ता फाड़ देगा आज। दिन भर खाया। लोकेशन को छोड़ के जा रहे और अब सीधे यहाँ से चलते घर पे, घर पे जाकर के मिलते क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है गाइस। तो ये जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ ना काफी प्यारा लग रहा है, ऊपर तो देख लिया अब कैसा लगा। हाँ अब नीचे दिखाते हैं, थोड़ा सा स्थिति बुरा है जो अगली बार से एक्सपेक्टेड है कि अच्छा हो जाए, सबका हालत खराब हो गया। सुनो मेला में सब आता है गुपचुप खाने, चाट खाने, हम लोग भोग खा के पेट भर लिए, एक बार भी ये सब पे ध्यान ही नहीं गया। रीचा पे गया था बट हम लोग कंट्रोल करवा लिए इससे। सुबित भाग चुका खाने के लिए, रीचा दी यहाँ पे चिल मार रही है और यहाँ पे मैं बैठ के डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करने का, तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल एक आपके पास बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है तो मिस आउट नहीं करना। तो आज के व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग से, तब तक के लिए पीस आउट। स्टे ब्लेस्ड बाय टाटा।